हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम योर टीचर गुरप्रीत कौर। टुडे वी लर्न द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर बुक सप्लीमेंट्री रीडर। लेसन है जी, हाफ आर रूपी वर्थ फॉर क्लास टेंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखांगे दे आपां। जिद्दां कि तुहानू पता, इस सप्लीमेंट्री रीडर दे विचों दो टाइप दे क्वेश्चन आंसर्स आउंदे आ, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक शॉर्ट 3 मार्क्स दे। सो असी उन्हां नूं वेखांगे क्वेश्चन आंसर्स नूं। लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, सुविया वाज आ राइस मर्चेंट। सुविया एक चौलां दा व्यापारी सी। जी हाँ, सुविया सी जिहड़ा एक चौलां दा चतर व्यापारी सी। ये ट्रू आ। सुविया है डैश चिल्ड्रन। सुविया दे किन्ने बच्चे सी? साडे को ऑप्शनस ने 2, 3, 4, 5। सो इहदा आंसर है जी डी, उहदे 5 बच्चे सी। अगे आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डिड सुविया'स वाइफ टेक द मैन। एक आदमी जिहड़ा 18 दे चौल लैण आया सी, सवेर तक वेट करदा रहा, उहनूं किथे लैके गई सुविया दी वाइफ? टू द सीक्रेट गोडाउन। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुविया डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। स्टेटमेंट कह रही है कि जिहड़ा सुविया सी वह रोड एक्सीडेंट दे विच मारिया गया। फॉल्स है ये, वह रोड एक्सीडेंट च नहीं मारिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ, सुविया'स प्रॉफिट डैश ड्यूरिंग द वॉर। युद्ध के दिनों में सुविया का जिहड़ा मुनाफा सी वह बढ़ गया सी जां घट गया सी? ऑप्शनस देखो, इनक्रीज़ होया, डिक्रीज़ होया, बेंट डाउन, डिड नॉट चेंज। वो बदलिया ही नहीं, घट गया। ठीक, पर उदा की होया सी? उल्टा काम बढ़िया सी उदा। सो ये सी इहदा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। सुविया वाज वर्ड अंडर द वैग एंड डाइट। हाँ जी, ये ट्रू आ। सुविया राइस दे वैग्स दे थल्ले आके मर गया सी। ये सी साडे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर जिहड़े तुहाडे सिलेबस दे विच मैनशन किए हुए ने, इन दिवों ही थानू पूछा जाऊगा। मूव टू नैक्सट शॉर्ट क्वेश्चनस। हाँ जी, जो 3 मार्क्स का आता हूँ आप देखते हैं, सारे नहीं कर रहे दे, जो भी आप इंपोर्टेंट्स देखा। फर्स्ट क्वेश्चन आ, हाउ डिड सुविया मैनेज टू गैट राइस ड्यूरिंग द ड्राउट। ड्राउट हूँ सोका ज काल। काल के दिनों के जोड़ा सुविया से वह किमें मैनेज करता स राइस, किमें मैनेज करता सी? पिंडां दी साइड तो लैके आउंदा सी चौल इकट्ठे करके खरीद के। हुण इहदा आंसर लिखांगे असीं, ही वुड कलैक्ट मैक्सीमम अमाउंट ऑफ राइस फ्रॉम कंट्री साइड। कंट्री साइड मीनस पिंडां वाली साइड, पिंडां तो वह ज़्यादातर जिहड़ा आपदा सीगा चौल सी वह पिंडां वाली साइड तो खरीद के लैके आउंदा सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट राइस वाज इन हिज ब्लड। इतने राइस लिखा गया, इतने सी पैनी सी राइस वाज इन हिज ब्लड। हाँ जी, इतने आप लिखना सी राइस, ए वाला इतने आना सी सी आर आई सी ई राइस। ठीक है, राइस वो खून दे विच किद्दां सी, इहदा की मतलब आ? इट मीनस सुविया न्यू ऑल अबाउट द राइस। इहदा मतलब सुविया सी जिहड़ा चौलां दा व्यापारी सी चतर, वह सब कुछ जानता सी चौलों बारे। वो दुकान पर हर किस्म के चौल मिलते सी, तो उन्हें किवें पता सी किवें प्रॉफिट कमाना है? ठीक, इसलिए कहा गया राइस वाज इन हिज ब्लड। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सुविया प्रॉफिट इनक्रीज ड्यूरिंग द वार। डिड ही फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। हाउ डिड ही टैकल द ऑफिसर्स। वो कहिंदे सुविया का जिहड़ा प्रॉफिट सी, मुनाफा सी, युद्ध के दिनों बढ़ गया सी। ठीक, बढ़िया सी, किन्ना बढ़िया सी, किमें बढ़िया सी? डिड ही फॉलो द रूल्स, की वो जिहड़े रूल्स सीगे गवर्नमेंट दे उन्हां नू फॉलो करदा सी? वो ऑफिसर सी जिहड़े उन्हां नू किमें टैकल करदा सी, उन्हां नू किमें सांठ गांठ करदा सी? ये क्वेश्चन 3, हुण आपां इहदा आंसर देखांगे। मूव टू नैक्सट। हाँ, सुविया सोल्ड हिज राइस एट अ वेरी हाई रेट। जिहड़ा सुविया सी आपदे चौल बहुत हाई रेट दे उत्ते बेचदा सी। ही फॉलोड द रूल्स इन पेपर्स ओनली। वह कल्ले कागजां दे विच ही सी जिहड़े रूल्स वह फॉलो करदा सी, उंज वह रूल्स फॉलो नहीं करदा सी।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ, बिसाइड सेलिंग राइस व्हाट एल्स डिड सुभिया डू टू अर्न मोर। चौला चौल वेचण दे नाल नाल उन्हां तों इलावा वो होर की करदा सी होर पैसे कमाउण लई। तो उहदा आंसर आपां लिखा, सुभिया आलसो लेंट मनी एट वेरी हाई रेट ऑफ इंट्रस्ट। जिहड़ा सुभिया सी पैसे दिंदा सी बहुत हाई रेट ते ब्याज ते। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਹੂ ਕਮ ਟੂ ਬਾਏ ਰਾਈਸ ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਚੌਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਡਿਡ ਹੀ ਗਿਵ ਆ ਰਾਈਸ ਟੂ ਹਿਮ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ। ਵਟ ਡਿਡ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ ਕਮ ਟੂ ਹਿਮ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੁਭਿਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਮ ਰਾਈਸ, ਸੁਭਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਚੌਲ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਸਮ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਹਾਉ ਮੱਚ ਰਾਈਸ ਡਿਡ ਸੁਭਿਆ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਲ ਦਾ ਮੈਨ ਐਂਡ ਫੋਰ ਹਾਉ ਮੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੌਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੁਭਿਆ ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਮ ਹਾਫ ਆ ਸੀਰ ਆਫ ਰਾਈਸ ਫੋਰ ਹਾਫ ਆ ਰੂਪੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦੇਣੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਸੇਰ। ਕਿੰਨੇ? ਅੱਧਾ ਸੇਰ, ਅੱਧੇ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਅੱਧਾ ਰੁਪਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੇਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਸੁਭਿਆ ਗੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਗੋ, ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਓ ਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋ ਟੂ ਗੈਟ ਰਾਈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਈਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਿਜ ਸੀਕਰੇਟ ਗਡਾਊਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਰਾਈਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਲੈਣ, ਆਪਦਾ ਸੀਕਰੇਟ ਗਡਾਊਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਡਿਡ ਦਾ ਮੈਨ ਵੇਟ ਫੋਰ ਸੁਭਿਆ ਫੋਰ ਲੋਂਗ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਭਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਆ ਯੈਸ, ਦਾ ਮੈਨ ਵੇਟਡ ਫੋਰ ਆ ਵੈਰੀ ਲੋਂਗ ਟਾਈਮ ਟਿਲ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਉ ਡਿਡ ਸੁਭਿਆ ਡਾਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੁਭਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਰਾਈਸ ਬੈਗਸ ਫੈਲ ਔਨ ਹਿਮ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੀ ਡਾਈਡ ਅੰਡਰ ਦੈਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੈਸਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਬਾਏ।